देखो ऐसा है, ऐसा कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है और वाकई में कुछ भी नहीं है भैया। सर कलम की बातें कर रहे थे, कलम सर किसी का भी नहीं करना, ना तो कलम करना ना सर करना, अपने को सीधा पेमेंट लेना है और घर जाना है। बाकी बहुत बढ़िया, क्या बाकी और कुछ बचा ही नहीं, कोई मतलब नहीं, सारी फुकट की बातें, इतनी सारी भीड़ है, डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम देश के तमाम, चिल्ला चोट मत करो, सब मेरे को मालूम है कौन क्या है और कौन सब ठीक अच्छा चल जाए भगवान की दया से। मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, आप ये हमारे अजात शत्रु जी बढ़िया अच्छा संचालन कर रहे हैं और अंकिता जी ने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा, पूरे देश दुनिया में ये लोग जाते रहते हैं, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो क्या मतलब, कभी दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब आदमी को घर पे रहना बहुत जरूरी है, आप बस घर पे रह लो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं घर का आदमी हूँ, आप घर पे रहे और बहुत मजेदार बात है, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। कवि सम्मेलन की शुरुआत यहाँ पे कांग्रेस के लोग बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और ये क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि कई प्रदेश में कांग्रेस बैठ गई, कई जगह बीजेपी बैठ गई, तो ये यहाँ बैठे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, सब धीरे धीरे बैठ रहे हैं। हमारे राजस्थान की बात, राजस्थान में बुआ जी बैठ गए, हमारे मामा जी बैठ गए, छत्तीसगढ़ में काका जी बैठ गए, तो धीरे धीरे सब जिसका जहाँ बैठना था वो बैठ रहे, जिसका उठना था वो उठ रहे। अभी महाराष्ट्र में 2-3, 84 घंटे के बाद में उठ गए, पता नहीं कब कैसे उठ जाए, उठ जाता है सामान्य सी बात है। एक कविता पढ़ देता हूँ, डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, हम खुद भी, हमें समय बांट दिया गया है कि भैया कोई कितनी भी कुछ भी कर ले, परंतु देखो द्रोणाचार्य जी हमारे बीच में और हम सब कटे हुए अंगूठे वाले एक लोग हैं, अर्जुन भी नहीं है कुल मिला के सामान्य। एक कविता मैंने इन दिनों नहीं लिख दी और मेरी नई कविता है होशंगाबाद में, मैं पहले भी कई बार आया हूँ और पहले इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि मेरे को पहले बुलाया था, इसलिए मैं आया हूँ, कोई खास बात नहीं, परंतु अब की बार फिर मैं आ गया, बुला लिया तो आप सब तमाम माता नर्मदा के तट पे आप लोग विराजमान हैं और बाबई जो इतना बड़ा साहित्यिक शहर जहाँ बाबई में इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े कवि का जन्म हुआ, आप लोग कविता समझते हैं। हमारी आदरणीय अंकिता सिंह जी के मन में ऐसा लगा होगा कि यार यहाँ मालवा में कविता नहीं सुनी जाती, अंकिता जी इस हिंदुस्तान के अंदर अब कहीं भी कविता सुनी जाए या ना सुनी जाए, परंतु माता नर्मदा के तट पे अगर इस मालवा में कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। ये मालवा तो कविता का जरा दोनों हाथ खड़े करके बताएगी यहाँ पर कविता सुनी जाती है। आज के गीत को बहुत अच्छा सुना, आज मैं समझो कि ऋषि के मुशायरे में इस गीत को अच्छा सुना था। ये सब हालांकि सारे रिजवी है, ये सब रिजवी भैया, ये सब मैं ऐसी बातें भैया बता रहे थे, वो हमारा कवि सम्मेलन की शुरुआत ही खाने पीने से करी भाई ने। ये हिमांशु बोले सड़क खा गए और ट्रेन खा गए और ये खा गए और देश खा गए, मैंने कहा भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, 10 करोड़ खा गए ना, 20 करोड़ आप नहीं खाओगे तो क्या करोगे। हिमांशु इस देश के अंदर कोई जिंदा जो खाएगा, इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए, ये क्यों चले गए, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए वो इस देश में। लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ये जिंदा, कन्हैया मौजी जिंदा, ये क्यों जिंदा है, क्योंकि इन्होंने खाया है, जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाइए कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप खा गए भाई, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे यार, इसलिए खाने पीने की तैयारी रखो, कोई काजू बादाम वगैरह सब मंच पे व्यवस्थित सब खा रहे हैं। तो सुनिएगा, समय सबको बटा हुआ, मेरे बाद में अजात शत्रु जी पढ़ेंगे, अजात शत्रु जी बहुत अच्छा पढ़ेंगे परंतु आज बिल्कुल कम पढ़ेंगे। मैं 1.5 घंटा पढ़ सकता हूँ, मैं खुद डॉक्टर साहब को सुनना चाहता हूँ, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में डॉक्टर साहब से दूर हो गए क्या कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते हैं, ये आपको पता नहीं वो भी होगा, मेरे 20-20 साल पुराने कैसे डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने, बहुत इन करना भी चाहिए प्यार, हालांकि मैं इस काबिल भी हूँ, एक बात बताइए ये अलग बात है कि ये मेरे से करते और मैं पता नहीं कि दूसरे से कर रहा हूँ, यही ना ऐसा होता रहता है बड़े लोगों के साथ, यही समस्या, उनको बड़े लोगों की छोटी बातें मालूम नहीं रहती, बड़े लोगों को छोटी बात मालूम नहीं रहती। पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे मेरे दोस्त, 4 लाइन से कविता शुरू कर देता हूँ और 5 मिनट में स्टॉप कर लूंगा। अरे
ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। अगली पंक्ति आप संभाल लेना सब। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया है तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। आपकी ताइया कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है ये। मैं तो ये कह नहीं सकता हूँ कि आपकी कमजोर ताली कवि को कमजोर करती है, उसमें मैं खुद कमजोर साबित होता हूँ। मजे ले, आराम से मजे लेना, ऐसा कुछ मेरी मर्जी पड़े तो मैं डेढ़ घंटे तक मजे दे सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, परंतु दूंगा नहीं तुझे। बहुत मजेदार है। माइक आपका बहुत अच्छा है, शानदार माइक व्यवस्था है। आज से 17 लाख साल पहले जब सूत जी महाराज ने नैमिषारण वन के अंदर 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके, जो 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो उस विधान को बताने के लिए जिस भीड़ को संबोधित करने के लिए माइक की जरूरत पड़ी थी, वो यही वाला माइक था। बहुत शानदार, माता बहनें बहुत बढ़िया। हिमांशु ने माता बहनों को लेकर के बहुत सारी बातें कर दी, माता बहनें अपनी जगह फिल्मों को लेकर के और ये सारी सब पकड़ दी। सुनिएगा कि शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे आप, एक अलग टाइप की कविता सुनेंगे। आजाद जी आप पहली बार सुनेंगे, डॉक्टर साहब आप भी पहली बार सुनेंगे, और अगर स्वागत नहीं है तो भी पढ़ रहे होंगे एक बार। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। आजाद भैया एक बार हाँ बोलो, माइक क्या मोबाइल देख रहे हो यार। मां की कोख से पहला कदम तूने नवाज शरीफ का जिक्र कर, नवाज शरीफ दिल्ली में उनका जन्म हुआ, दिल्ली में पैदा हुआ है, ठीक है। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी पेशावर में उनका जन्म हुआ था, ये अलग बात है कि उस समय दोनों एक ही थे। माँ की कोख से पहला कदम इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। होशंगाबाद के लोगों सुनिएगा के इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। वाह जानी बहुत अच्छी। तुतलाती जवान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था, जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो पैर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। वाह, यहाँ मीडिया के लोग बैठे, अखबार के लोग बैठे, पत्रकार लोग इधर बैठे, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। आप बैठे ये बात अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इस देश के अंदर। लोकतंत्र, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, आपको पता है चौथा स्तंभ है। परंतु इस देश की स्थिति ऐसी हो गई साहब, इस देश को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा, ये क्या क्या गिर गया, जीडीपी गिर गई और लोकतंत्र धरातल में चला गया, अर्थव्यवस्था गिर गई। एक ने कहा बोले इतनी, मैंने कहा कोई कुछ भी नहीं गिरा है, और गिराना और उठाना आधे सेकंड का काम है। आपके हाथ में मोबाइल है ना, टीवी का रिमोट है ना, जैसे ही क्या चैनल वाला के गिर गई तो आप उसका बटन दबा दो, दूसरा चैनल बदल दो, उठ जाएगी वो, क्या करें। गिराना और उठाना तो अपने हाथ में, ये तो चैनल वाले के हाथ में, बम की और फलाना वगैरह और बम फट गए, और भाई बम फट गया इसमें कौन सी नई बात है, बम ही फटा ना। अखबार अरे बोले जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, बम्बई में घाटकोपर में बम फटा। भाई बम फटा ये दिक्कत नहीं है, बात यह कि बम क्यों फटा, ये उस बम से पूछोगे तू क्यों फटा, ये उस बम की प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं सकता है। और मान लो अगर बम बोले तो ऐसे बोलेगा, बम बोलेगा तो सुनेगा कौन, और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसे नहीं बचेगा, और मान लो अगर वो बम बोलता तो क्या बोलता,
कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। हमारे बीच में हमारे शायद मंत्री जी इस मंच पर पधार रहे हैं और वो पधार रहे हैं, तब तक आप एक बार इस ढोल को सुनते रहे क्योंकि वो पधार रहे हैं। ढोल को आप सुनते रहे, क्या करें, मेरी आवाज़ वहाँ तक जा नहीं पाएगी।